आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अक्षय पात्र क्या होता है, इसकी क्या खासियत है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थीं जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई है या उसे हासिल की जा सकती है। जैसे हम बात करें अक्षय पात्र की, तो अक्सर यह चमत्कारी का अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। महाभारत में अक्षय पात्र का जिक्र आता है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं। जंगल में प्रवास करते हुए सैकड़ों साधु संत और धर्मात्मा पुरुष उनके साथ हो जाते हैं। देखिए, अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय या नाश नहीं हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न या जल समाप्त नहीं होता है। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तु निकाली जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाभारत में अक्षय पात्र से संबंधित एक कथा भी है। जैसे हम पांडव की बात कर रहे थे, तो 12 वर्ष तो चले गए जंगल में वनवास के लिए, तो उनके साथ पंडित भी थे, धौम्य ऋषि भी थे। 5 पांडव, 1 द्रौपदी, 6 कभी और भी कोई गेस्ट आ गया, धौम्य ऋषि भी थे, तो 6 प्राणी या और भी प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहां से आए, क्योंकि और भी लोग थे। पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए सूरज के 108 नाम देकर कहते हैं कि युधिष्ठिर इन नामों का जाप करते हैं। युधिष्ठिर बड़ी आस्था से जाप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। तो युधिष्ठिर का जो जवाब था वो हम आपको बता रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूं, वे सूर्य देवता से अन्न की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें खिलाने का साधन मांगते हैं। अब किस युक्ति से हजार लोगों को खिलाया जाए, ऐसा कोई साधन मांगता हूं, ये युधिष्ठिर ने कहा। तब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे पास फल फूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां तब तक अच्छे रहेंगी जब तक कि द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का वो अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। अभी कैसे प्राप्त होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। यदि आप सूर्य की साधना करते हैं इस मनसा से, तो आपको जरूर प्राप्त होगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपने कल से साधना करने शुरू घर में शुरू कर दिया, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अब अक्षय पात्र तो नहीं आएगा, पर सूर्यदेव किसी और तरीके से आपको अक्षय पात्र जरूर देंगे, जिससे कभी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।